सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने सिलेबस का, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। दैट इज वाई बोर्ड ने इसका कुछ भी पार्ट कैंसिल नहीं किया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट अस बिगिन। फर्स्ट सीक्वेंस क्रमिका 3, 5, 7, 9। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स? सोपे 3, 5, 5, 7, 7, 9। यहाँ पे 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, सो 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 2 = 15। इजी। सो एवरीवेयर वी आर डूइंग प्लस टू। ओके, ये है यहां का डिफरेंस, हा है फरक। सिंपल ना, 7, 12, 17, 22। यहां पे देखते हैं, 7, 12, 7, 12 में डिफरेंस है +5, 12, 17, 12 + 5 = 17, 17 + 5 = 22। बराबर है ना, यहां पे एडिशन होते जा रहे 5, 5, 5, 5 बढ़ता है। सो 22 + 5 आ जाएगा 27, 27 + 5 = 32, 32 + 5 = 37। यहां पे डिफरेंस आ रहा है +5, हम लोग प्लस नहीं लिखते ना, तो डिफरेंस आ रहा है 5, फर्क आ है 5। यहां पे देखते 40, 37, 34, 31। यहां पे कुछ फर्क है, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, क्रमांक बढ़ता है संख्या, और यहां पे द नंबर्स आर डिक्रीजिंग, तो 40 - 3 = 37, 37 - 3 = 34, 34 - 3 = 31। तो यहां पे हर बार हो रहा है d = -3, द डिफरेंस इज -3, तो 37 - 3 = 28, 28 - 3 = 25, 25 - 3 = 22। सिंपल। यहां पे कुछ अलग है, थोड़ा बोल्ड किया हमने, 3, 6, 12, 24। यहां पे प्लस तो नहीं हो रहा है, बिकॉज 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, गड़बड़ है कुछ। इजिली वी कैन ऑब्जर्व, 3 × 2 = 6, तो × 2, 6 × 2 = 12, तो × 2, 12 × 2 = 24, तो 24 × 2 = 48, 48 × 2 = 96, एंड 96 × 2 = 192। ओके, तो यहां पे डिफरेंस नहीं है, यहां पे प्रोडक्ट है, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं × 2। नाउ यहां पे 11, 15, 20, 22, 11, 15, तो 11 + 4 = 15, 15, 20, तो 15 + 5 = 20, फिर 20 + 2, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन का तो कुछ है ही नहीं, 11 के टेबल में 15 नहीं आता है, और यहां पे प्लस हो रहा है 4, यहां पे प्लस हो रहा है 5, यहां पे प्लस हो रहा है 2, कुछ रिलेशन ही नहीं है। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट नेक्स्ट नंबर, है नेक्स्ट नंबर अपन नहीं सांगू शकत काय असणार ते, यहां पे कुछ रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन। थोड़ा इंटरेस्टिंग देख लेते, 9, 9, 9, 9, तो डेफिनेटली 9, 9, 9, 9 आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं +0, +0, +0, +0, 9, +0, 9, तो एवरीवेयर वी आर डूइंग +0। तो ये जो केस है ना, जहां पे प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कॉन्स्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, दैट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हियर ऑल्सो एडिशन सेम है, तो ये भी हो गया अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याला आपण मराठीत म्हणतो अंकगणिती श्रेणी। यहां पे मल्टीप्लीकेशन फिक्स है × 2, तो इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भौमितिक श्रेणी, ये हम लोग को सिलेबस में इस साल नहीं है, वी हैव टू लर्न एरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. नो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इतने का इच नहीं. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, कुर्सा अंक संगू शकत नहीं. ओके तो हम लोग को स्टडी करना है एपी. इन केस ऑफ एपी, डी इज पॉजिटिव और डी इज निगेटिव और डी इज जीरो, कुछ भी चलेगा. ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा चलेगा, निगेटिव होगा फिर भी चलेगा, या तो सेम जीरो भी हो सकता है. ओके अभी स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली आंसर कैसे लिखने हैं. तो हम लोग ने समझने के लिए समझ लिया, लेट अस प्रोसीड. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी, कुछ सीक्वेंसेस आर गिवन देयर, 1, 2, 3 एंड 4. वी हैव टू डिसाइड वेदर दे आर एपी और नॉट. आपल्याला चेक करायचे ते अंकगणिती श्रेणी आहेत की नाही. फर्स्ट इज 5, 7, 9, 11. यांना आपण नाव देऊया टर्म्स. टी वन फर्स्ट टर्म इज 5, पहिलं पद. टी टू इज 7, टी थ्री इज 9, टी फोर इज 11. क्या करना है पता है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11. कैसे करना है, फर्स्ट हम लोग ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 7 और 5. तो टी टू माइनस टी वन, फिर टी थ्री माइनस टी टू, फिर टी फोर माइनस टी थ्री. इजी है. जो हम लोगों ने ओरली किया था वही हम लोग अभी करेंगे सिस्टमेटिकली. सो टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, आंसर इज 2. टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू, 9 माइनस 7 2. बराबर ना, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7. टी फोर माइनस टी थ्री, टी फोर माइनस टी थ्री, ओके दैट इज 11 माइनस 9, दैट इज 2. तो हर एक बार डिफरेंस आ रहा है 2. Therefore, the difference D, फरक आहे, D is equal to 2, which is constant. हा आहे स्थिरांक, फिक्स आहे ना, बदलत नाही आहे. That is why the difference D is equal to 2, which is constant. Therefore, 5, 7, 9, 11 is an AP. Therefore, 5, 7, 9, 11 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ही अंकगणिती श्रेणी आहे. नेक्स्ट इज 18, 25, 32. सिंपल, टी वन 18, टी टू 25, टी थ्री 32. नेक्स्ट स्टेप सेम ना, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, 25 माइनस 18, आंसर आ रहा है यहां पे 7. देन 32 माइनस 25, 32 माइनस 25, आंसर आ रहा है यहां पे 7. नेक्स्ट प्रोसीजर, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स डी इज इक्वल टू 7 एंड इट इज कॉन्स्टेंट. हा है स्थिरांक. देयरफॉर 18, 25, 32 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ही अंकगणिती श्रेणी आहे. इन दिस केस ना, व्हाट यू हैव टू राइट, यहां पे क्या लिखना है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉलो योर टीचर्स. ओके बाकी सब सेम रहेगा आंसर. वी नाउ नो द प्रोसीजर, माइनस करते जाओ कंसेक्यूटिव नंबर्स को, वजह कर जाएगा. इफ द डी इज फिक्स तो है एपी, अगर डी फिक्स नहीं है तो एपी नहीं है. लेट अस प्रोसीड. अभी हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाला, 8, 13, 11, 20. टी वन 8, टी टू 13, टी थ्री 11 एंड टी फोर 20. वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, द आंसर इज 5. टी थ्री माइनस टी टू, 11 माइनस 13, अरे बाप रे, 11 माइनस 13 तो पॉसिबल नहीं है, तो 13 माइनस 11 2, और बड़े नंबर का साइन -2. टी फोर माइनस टी थ्री,
ट्वेंटी माइनस इलेवन तो आंसर आ रहा है नाइन. तो यहां पे डी हर वक्त ना डिफरेंट आ रहा है. डी इज नॉट कॉन्स्टेंट. डी हा स्थिरांक नाही. इफ डी इज नॉट कॉन्स्टेंट दिस इज नॉट एन एपी. ही अंकगणित श्रेणी नाही. समटाइम्स हम लोग को ए देते हैं मीन्स फर्स्ट टर्म देते हैं पहला पद देता. डी देते हैं डिफरेंस और बोलते हैं कि राइट द एपी शेडी लिया. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए इज टेन गिवन एंड डी इज फोर. तो ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है ए इज और फर्स्ट टर्म एंड दैट इज टेन. डी क्या है डिफरेंस फोर. तो हर बार फोर फोर बढ़ते जाएगा. तो वी डायरेक्टली नो द आंसर. डायरेक्ट आंसर समझ गया टेन फोर्टीन एटीन ट्वेंटी टू. सिंपल हाउ टू प्रेजेंट दैट. फर्स्ट टर्म ए इज टी वन दैट इज टेन. फिर सेकंड टर्म क्या आएगा टी टू. टी टू क्या रहेगा टी वन में प्लस डी. फर्स्ट टर्म दिस इज डिफरेंस जो टी वन है प्लस डी. तो टी वन कितना है टेन प्लस करो फोर तो आ गया 14. T3 थ्री कितना आएगा जो T1 आया T2 टू प्लस डी. ओके T2 टू इज टी वन प्लस डी. तो T3 थ्री इज टी टू प्लस डी. तो टी टू है 14 प्लस डी है डिफरेंस अपना 4 तो दैट इज 18. सिंपल बोलो T4 कितना आएगा. T4 फोर इज टी थ्री प्लस डी. टी थ्री इज अपना 18 प्लस डी इज 4 दैट इज 22. Therefore, the arithmetic progression is first term is 10, 14, 18, 22, like this. ही झाली आपल्याला हवी असलेली अंक गणिती श्रेणी. Simple. Now, A is 12 and D is minus 14. A इज 12 मीन्स A इक्वल टू 12 मीन्स अपना T1 वन झाला 12 फर्स्ट टर्म 12. T2 टू कसा भेटणार T1 वन प्लस डी. टी वन आहे 12 यहां तर D आहे माइनस तो हम लोग करेंगे उसको माइनस 4 दैट इज 8. समझ लेना अगर D प्लस है तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे D माइनस है तो नंबर्स कम होते जाएंगे. सिंपल T3 is T2 plus D. T2 किती है T2 T2 वाला आपला 8 and D is minus 4 that is 4. T4 is T3 plus D. बला sequence है T2 T1 plus D T3 T2 plus D T4 T3 plus D. okay ये प्लस साइन का मीनिंग क्या है. ये प्लस साइन क्या बोलता है अगर प्लस आता है तो प्लस आने दो अगर माइनस आता है तो माइनस आने दो. यहां पे क्या था डी वॉज 4 तो हम लोग ने टी प्लस डी प्लस 4 आया. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इट इज माइनस. ओके तो जो भी है वही लिख रहे हैं हम लोग. तो ये आया था आंसर 4 और अपना डी है माइनस 4 दैट इज 0. अगर निकालना है टी 5 तो क्या आएगा 3 या 4 सम्स. कभी कभी बोलते हैं कि राइट ने 4 टर्म्स पहले 4 पद लिया जस्ट हम लोग फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आंसर लिख देते हैं. टी फाइव क्या आएगा टी फोर प्लस डी. तो टी फोर कितना आया 0 डी कितना है माइनस 4 तो आंसर आया माइनस 4. देयरफॉर द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अंकगणितीय श्रेणी है. कहां से शुरू हुए हम लोग ए से 12 से टी वन 12 टी टू 8 टी थ्री टी फोर टी फाइव. तो हो गया 12 8 4 0 माइनस 4 डॉट डॉट डॉट. ही झाली आपल्याला हवी असलेली अंक गणिती श्रेणी. नाउ डिफरेंस समझ लेना अब तक क्या हुआ. हम लोग को फाइंड आउट ए इज गिवन डी इज गिवन. तो T1 हो गया T2 टू इज टी वन प्लस डी टी थ्री इज टी टू प्लस डी वगैरह वगैरह. इफ यू हैव टू फाइंड आउट तो प्लस प्लस करते करते आगे आगे जाएंगे. अगर D प्लस है तो हम लोग को प्लस आ जाएगा आंसर. आगे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर. और इफ D इज माइनस तो नंबर होते जाएंगे कम. और व्हेन इट इज गिवन हम लोग को चेक करना है
when it is given 5, 7, 9, 11. Check karna hai to minus karna hai. T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3. Okay, minus karte jana hai, check karna hai to. Aur agar find out karna hai to plus karte jana hai. Notice the common difference.